मखाना फ्राई हो चुकी है, तब हम इसी भी अब फ्राई हो चुकी है, चटकने की आवाज आपको, तो अब हम तिल को भी फ्राई कर लेंगे। चाशनी भी बनकर तैयार है, पिस्ता बादाम। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार है। मेरे फिट रहने का राज तो देखिए, मैं सर्दियों के मौसम में इसी तरह लड्डू बनाकर खाती हूँ, हल्दी वाला दूध पीती हूँ और सुबह के टाइम में ग्रीन टी पीती हूँ। और ये खाने में जितनी टेस्टी है, अब बनाने में भी उतना आसान है। तो आप ज़रूर आप सर्दियों के मौसम में इस तरह बनाकर लड्डू खाएं और बच्चे को भी दें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली लड्डू। तो मैंने इसमें बहुत सारे सामग्री डाली है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और सर्दी के मौसम में आप स्टोर करके रखिएगा और इसे ज़रूर डेली खाइएगा, तो आपके साथ कमर दर्द थकान दूर होगी। और तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा मेरी लड्डू की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाना शुरू करेंगे सर्दियों के मौसम में ताकत बढ़ाने वाली, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली तीसी के लड्डू। तो इसे मैंने बहुत सारे चीज़ लिए, तो देखिए मैंने खजूर ले लिए एक कटोरी, तीसी ले लिए एक कटोरी, और एक कटोरी से ज़्यादा दो कटोरी के लगभग हमने मखाना ले लिए हैं, यहाँ काजू एक कटोरी, और आधा कप के लगभग हमने बादाम ले लिए हैं, आधा कप किशमिश ले लिए हैं, ये पिस्ता और ये तरबूज के बीज है इसे ले लिया हमने, और ये हम थोड़ी सी गुड़ लिए हैं, हम ज़्यादा गुड़ नहीं डालें क्योंकि हम इसमें खजूर डाल रहे हैं, खजूर बहुत मीठी होती है। तो और एक कटोरी के लगभग हमने गोंद ले लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मखाना को फ्राई कर लेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। तो देखिए फ्रेंड्स, मखाना फ्राई हो चुकी है, तब हम इसे निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। अब हम तीसी को भी फ्राई कर लेंगे, जब तक ये चटकने लगेगी तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसी भी अब फ्राई हो चुकी है, चटकने की आवाज़ आपको आ रही है, तो देखिए चटक रही है। तब हम इसे भी निकाल लेंगे और इसको भी पीस लेंगे हम। तो अब हम तिल को भी फ्राई कर लेंगे। तो जाड़े के मौसम में ज़रूर आप भी इस तरह से लड्डू बना के रखिएगा, कमर दर्द घुटनों के दर्द कभी नहीं होगी। तो ठंडे के मौसम में इसी तरह बना के रख लेती हूँ स्टोर करके और डेली एक लड्डू खाती हूँ, तो इसमें कमर दर्द पैर दर्द सब थकान दूर रहेगी। तो देखिए तिल भी अब फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। लड्डू के स्वाद बढ़ाने वाले सबसे मेन चीज़ है शुद्ध देसी गाय की घी। तो 3 से 4 चम्मच हम इसमें शुद्ध देसी गाय घी डालेंगे। अब हम ये जो गोंद लिए हैं, अब हम इसमें गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे फ्राई कर लेंगे गोंद को। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से फूलने लगी है गोंद। तो सारे गोंद अच्छी तरह से फूल चुकी है, मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए गोंद भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तब हम इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। दो से तीन चम्मच हम घी डालेंगे इसमें, और अब हम इसमें 1 कप के लगभग आटा लेंगे। थोड़ा आटा दे देने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, तो मैं आटा मिलाकर ही बनाऊंगी। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं आटा को अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसे फिर से मैं घी डालूंगी फ्राई होने के बाद।
पहले इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो मैंने आधा कप के लगभग मेथी को पीस लिया है, तो अब इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो मेथी भी बहुत ही फायदेमंद होती है ठंडे के दिन में, मेथी खाना बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं इसमें मेथी भी डाल रही हूँ। तो मेथी को भी अब हम आटा के साथ फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ये भी देखिए फ्राई हो चुकी है, तब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तब हम फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे, गुड़ को पिघला लेंगे। अब हम तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी भी बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड, आज बन रहा है एकदम बहुत ही ताकतवर और शरीर की थकान दूर करने वाली और सारे दर्द को मिटाने वाली लड्डू। तो देखिए चाशनी बनकर तैयार है। तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम इसमें जो आटा और मेथी फ्राई करके रखे हैं, इसी में हम मिला देंगे इसको। तब हम इसमें ये मखाना और गोंद को पीस के रखे थे, तब हम इसे भी इसमें मिला देंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप घर पर बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जब भी आपका मन करे तब एक लड्डू आप निकालें और खा लें। तब हम इसमें पिसी हुई तीसी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तीसी को भी पीस कर रख लिया था, देखिए इस तरह। तब हम तीसी को भी मिला देंगे इसमें। तो आप बड़े बच्चे सबको दे सकते हैं, ये सर्दियों को मौसम में खिलाना बहुत ही फायदे होती है इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इलायची को कूट लिया है, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो अब हम फ्रेंड्स ये किशमिश, तो देखिए फ्रेंड्स हमने किशमिश डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देंगे, काजू पिस्ता बादाम। तब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला लेंगे। और यहाँ पर हमने खजूर को पीस लिए हैं, तब हम इसमें खजूर भी मिला देंगे। तो सबको अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लड्डू के सभी मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। अब हम थोड़ा घी और डाल देंगे इसमें एक चम्मच, और उसके बाद हाथ में घी लगा के हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। सबको पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सबको अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम लड्डू बनाना तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी लड्डू बनकर तैयार है, ये देखिए। तो हम इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप
आप घर पर ही सब सारे सामान रहे, आपके पास जो सामान हो आप उसी से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतना कुछ डालें, जो आपके पास हो उसी को लाकर आप बना सकते हैं लड्डू। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप जाड़े के मौसम में इस तरह से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम मेवा वाली गोंद, मेथी, सौंठ सारे चीज़ हमने इसमें दिए हैं, जो इसके सभी सामान के बहुत ही फायदे हैं इसके। तो इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी लड्डू की रेसिपी बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी लड्डू की रेसिपी कैसे बनी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे फिट रहने का राज तो देखिए, मैं सर्दियों के मौसम में इसी तरह लड्डू बनाकर खाती हूँ, हल्दी वाला दूध पीती हूँ, और सुबह के टाइम में ग्रीन टी पीती हूँ, और खाना बनाते समय मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ। तो आप भी जरूर इसे फॉलो करें, तो इससे वजन भी कम रहेगा, वजन भी घटेगा, और कोलेस्ट्रॉल भी कम रहेगा, और सभी सभी दर्दों को दूर भगाए। तो आप भी जरूर एक बार ट्राई करिएगा, और इस तरह लड्डू बनाकर स्टोर करके रखिएगा, और सर्दी के मौसम में जरूर एक लड्डू खाइएगा और हल्दी वाला दूध पीजिएगा। तो सभी मेरे बहनों को मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, तो आप सब भी जरूर अपनाइएगा।